हेलो व्यूअर, वेलकम टू चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख रहे हो फोटो में, एक ये चकला और बेलन, इसका रिव्यू कर रही हूँ, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। और इसे आप रोटी मेकर भी बोल सकते हैं। और ये मार्बल से बना है, चकला है वो मार्बल से बना है, और इसका जो बेलन है वो वुड का बना हुआ है। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल पेंटिंग है। इसे पेंटिंग हम नहीं बोलेंगे, इसे इनामेल प्रिंटिंग की हुई है इस पर। एक्चुअली ये इनामेल प्रिंटिंग है, एक बार और आपको बता देती हूँ। और इसके बारे में सभी कुछ आपको बताऊँगी कि कैसा है। और ये काफ़ी ग्लॉसी है, यानी शाइनी है। और इस पर आप जब भी रोटी बनाएंगे वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा, कोई स्टेन नहीं होगा। और पीछे की साइड से आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं मार्बल आपको दिख रहा है। काफ़ी हैवी है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये मार्बल से बना हुआ चकला है। और इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि इनामेल प्रिंटिंग की हुई है। और ये जो इनामेल प्रिंटिंग है ये ऑनलाइन आपको बहुत सारे अप्रॉक्स 24-25 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन ये इनामेल प्रिंटिंग की हुई आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगी। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें स्क्रैचेज नहीं लगने देना है। और इसको जब आप धोते समय आप किसी गीले कपड़े से, यानी वेट क्लॉथ से आप इसे पोंछ सकते हैं। इसको स्क्रब नहीं करना है क्लीन करने के दौरान, नहीं तो इसके ऊपर जो ये प्रिंटिंग है इनामेल वाली वो निकल जाएगी। बेलन वुड का बना हुआ है, लकड़ी का, लाइट वेट है, अच्छा है। और इसके ऊपर भी ये प्रिंटिंग की हुई है इनामेल की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसकी सफाई करें तो इसे हम किसी भी चीज़ से स्क्रब नहीं करेंगे। बिल्कुल हमें एक गीले कपड़े से पोंछ लेना है जब भी इसे हम यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, आपके किचन की खूबसूरती को बढ़ा देगा ये, अगर आप इसे परचेज करेंगे। किचन में तो ये होना ही चाहिए। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अभी 2 मंथ्स हो गए हैं यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया दिख रहा है। थोड़ा सा यही मुझे इसका डिसएडवांटेज लग रहा है कि इसमें आपको थोड़ा केयरफुल होना है, नहीं तो इसकी जो प्रिंटिंग है वो निकल कर आ जाएंगे। और बाकी ये बहुत ही खूबसूरत है, आप अगर इसे शो के लिए रखना चाहते किचन में तब तो ये परफेक्ट है आपके किचन के लिए। और डिश वॉशर भी सेफ़ है, अगर आपके पास डिश वॉशर है तो आप उसमें भी इसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। अच्छी बात इसकी बता दूं कि ये कोई भी, अभी इस पर आप जो भी कुछ बनाएंगे तो उससे आपका, जैसे ये ऑर्डर यानी महक इसमें किसी प्रकार का नहीं है। और कोई भी स्टेन भी, यानी ऑयल के दाग या कुछ भी हल्दी के दाग इसमें नहीं लगेंगे। जैसा कि इसके ऊपर से एक लेयर है, एक प्रिंटिंग की हुई है इनामेल की, तो ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखता है। तो मैं बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी आपको कि आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको बस जैसा कि मैंने बताया इसका ध्यान रखना है। तो किचन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। रेटिंग इसका मैं 10 में इसको 7 रेटिंग करूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।